नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ गज योग के बारे में। अक्सर देखा जाता है गजकेसरी योग असाधारण योग माना जाता है, लेकिन गजकेसरी योग किसकी परवर्ती में यानी कि जिसकी भी कुंडली में होता है बहुत लकी माना जाता है। यदि हम देखते हैं चंद्रमा का स्थान, यदि चंद्रमा का स्थान 1, 4, 7 और 10 पे होता है और बृहस्पति आता है तो समझ लीजिए ये गजकेसरी योग है। जो भी संतान, कोई भी शिशु इस योग में जन्म लेता है वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा लकी होता है। हमेशा उनके कार्य प्रवृत्ति पर होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन्हें यश, कीर्ति और प्यार बहुत मिलता है, जिसकी वजह से इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती है। गजकेसरी योग बहुत ही दुर्लभ होता है। अधिकतर देखा जाता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो गजकेसरी योग में ही जन्म ले। हमेशा देखा जाता है कि गजकेसरी योग बहुत कम बनता है, जिसकी वजह से लोगों में हमेशा परवृत्ति होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों की आंखों में खटकते हैं। क्योंकि गजकेसरी योग बहुत कम बनने की वजह से ज़्यादातर लोग गजकेसरी के नाम नॉर्मल ही जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति गजकेसरी में जन्म लेता है उसके पास सब चीज़ होने की वजह से लोगों को जलन होने लगती है, और जलन होने की वजह से उससे इस तरह से जलते हैं कि काम उनके सुचारू रूप से नहीं चल पाते हैं। गजकेसरी योग बहुत ही परवर्ती का माना जाता है, बहुत ही प्यारा माना जाता है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट पाए जाते हैं। गजकेसरी योग जिसकी भी कुंडली में बनता है वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनीकृत होता है, चाहे वह अपनी लाइफ में हो चाहे फिर ससुराल के पक्ष से, दोनों तरफ से उसे दुगनी खुशियाँ मिलती हैं। जो भी लाइफ पार्टनर इनकी जिंदगी में आती है वह भी बहुत खुश मिजाज रहती है। जो भी गजकेसरी में जन्म लेते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, भावयुक्त होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा कार्य को सरलता रखते हैं। जिस भी व्यापार को वह हाथ लगाते हैं वह व्यापार सोने से भरपूर हो जाता है, यानी कि इनको माला माल कर देता है। हमेशा इनका व्यापार प्रॉफिट में ही रहता है, क्योंकि गजकेसरी योग होना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये है गजकेसरी योग। यदि चंद्रमा की स्थिति सही स्थानों पर हो, बृहस्पति बार हो, तो लोगों के योग बहुत अच्छे और शुभ माने जाते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।